गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो जला क्या है। मेहनत से ही मिलता है सब कुछ, यहाँ इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। जी हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। चलिए, आपका रिवीजन क्लास यानी कि अपडेट हो रही है क्लास, जो क्लास पहले क्वालिटी ख़राब थी उनको हम अपडेट कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, भिन्न को दशमलव में बदलना, यानी कि कन्वर्जन एक प्रकार से बोल सकते हैं, या कन्वर्टिंग, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर, और दशमलव का प्रसार भी देखना एक्सटेंशन वाला, ठीक है, और रेफरल नंबर पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, ध्यान से देखना। पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 5/4, क्या है 5/4, इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, 5/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो साथियों, ऐसी स्थिति आने के बाद दशमलव में बदलते हैं तो वो तो बात ठीक है, लेकिन होता कैसे, जो ऊपर नंबर होता है उसको इसके अंदर लिखते हैं भाग के, और जो नीचे होता है उससे भाग करते हैं। ये 4 × 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 1 आएगा। अब देखो, ऊपर दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे, और 4 × 2 = 8, घटाएंगे तो 2 आएगा। एक बार डेसिमल बढ़ाने के बाद आप बार बार 0 उतार सकते हो, इस तरह से 5 बार जाएगा तो 20 आएगा। ये देखो, काम ख़त्म हो गया, क्लियर, 1.25 आया, यानी कि 5/4 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1.25 आया। बात समझ में आई ना, 5 को 4 भाग में बांटेंगे तो 1.25 आएगा। इसको अगर रुपया में हिसाब करें तो 5 रुपये में अगर 4 लोग को बांटेंगे तो 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे हर किसी को मिलेगा। ये बात क्लियर हुई, इसको जल्दी से लिख लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखना, क्लास को पूरा देखना, सब कुछ समझ में आएगा एकदम गारंटी के साथ, लेकिन भागना मत। अब हम आपको कुछ और बड़ा करके दिखाएंगे। देखिए, जैसे दूसरा सवाल की अगर हम बात करें, ये तो पहला हो गया, दूसरा सवाल की अगर हम बात करें तो हमने लिया है 1/2, क्या लिया है 1/2, इसको भी देखना क्या कहता है ये, 1/2 यानी कि आधा है ना, कितना, आधा, इसको दूसरा नंबर लिख दो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, ऐसे ही इसको भी कर लोगे, ये जो 1 है ऊपर वाला नंबर वो भाग के अंदर में हो जाएगा और नीचे वाले नंबर से भाग हो जाएगा। आप जानते हो 2 बड़ा है 1 छोटा, भाग नहीं जाएगा है ना, लेकिन 0 बार तो जाएगा, 0 बार ले जाओगे 0 आएगा, इतना बात पक्की। अब क्या करोगे, ऊपर डेसिमल बढ़ा के यहाँ 0 उतार लोगे, और कितनी बार जाएगा फिर, अब तो हर कोई जानता है 5 बार जाएगा, ये देखो 10, मतलब 0.5 आया। ये हो गया डेसिमल में कन्वर्ट, है ना, कितना आसान। पूरा क्लास देखना, समझाने की गारंटी होगी, बीच में छोड़ के मत जाना, छोड़ दोगे तो फिर आप जानो आपका काम। अगला देखना एक बहुत अजीब सा है, जो बड़ा ही कैंसर का तरह कार्य करता है, जैसे 11/3, 11/3 मतलब 11/3, ये कैसे होता है भाई, काहे लिए होता है ये। देखिए, इनमें सब में आपने देखा पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन अभी जो हम नंबर लिखने वाले हैं इसमें कुछ लफड़ा होने वाला है, और वो क्या होने वाला आप देखना इधर, 11/3 इसमें भी वैसे ही बचपन की तरह 11 इधर 3 इधर, भाग करोगे 3×3 = 9, ये 2 आ गया, सबट्रैक्ट किया, अब 2 क्या हो गया, कम हो गया, 3 ज़्यादा हो गया, नहीं जाएगा भाग, फिर क्या 0 बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं, यहाँ पर डेसिमल बढ़ाओगे, यहाँ पे 0 उतारोगे, फिर 6 बार जाएगा, 18 आया ना, फिर 2 आ गया, फिर 0 उतारोगे और ये फिर 6 बार जाएगा, फिर से 18 आ गया, फिर 2 आ गया। अब आपको महसूस हो गया होगा कि ये हमेशा 2 आता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, 6 कभी कटेगा ना लाइफ में, कभी ना कटेगा, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा 3.666666, ऐसे
लिखते लिखते बूढ़े हो जाएंगे लेकिन ख़त्म ना हो गई है, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? इस बीमारी को दूर करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, वो है 3.6 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है बार बार, हजार बार, लाखों बार, ये इसका आंसर हो जाता है। बात समझ में आई ना? ये अलग प्रजाति होती है इसमें की। हाँ जी बिल्कुल, सामान्य नहीं होती है। सामान्य तो आपने एक दो में देख लिया, आगे देखना। हो गया ना इतना? तीन नंबर, चौथा नंबर सवाल देखना। साथियों, हम आपको यहाँ पर विश्वास दिलाते हैं इस क्लास के माध्यम से कि अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, आप जीरो बटा लड्डू हैं एकदम, लेकिन अगर आप जीरो लेवल बेसिक मैथ ज्वाइन करते हैं PVR स्टडी के साथ, तो आपको सिखाने की गारंटी होगी। और अगर अभी तक आपने PVR स्टडी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लेना PVR स्टडी ग्रुप। इसकी खासियत हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पर, नाम ही काफ़ी है। इस समय आप PVR स्टडी इलाहाबाद पर देख रहे होंगे इस क्लास को, या फिर आप मैथ आसान पर देख रहे हैं, या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, यूट्यूब या गूगल पर इसको सर्च करके खोज लेना और सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा, उम्मीद से ज़्यादा। अगर हम चौथा सवाल की बात करें तो वो आता है 17/5। क्या है? 17/5, पाँच नहीं है, पाँच है, लिख लो। कैसे करेंगे? बस अब आप लोग कर ले जाओगे, हम ना बताएंगे ज़्यादा, ये लास्ट है। पाँच से भाग करोगे, 5 × 3 = 15, घटाओगे 2 आएगा, ऊपर दशमलव बढ़ा के 0 उतारोगे तो 5 × 20, ये देखो 3.4 आ गया। इस तरह से आप लोग कर ले जाओगे। एक सवाल लिख लो होमवर्क के लिए, 5वां नंबर होमवर्क रहेगा, नोट कर लो फटाफट। 19/6, 6वां नंबर भी लिख लो, 30/8, 7वां लिख लो, 19/7, और 8वां लिख लो, 129/9। इन सभी को बदलना दशमलव में और फिर बताना, ठीक? ये तो हो गया दशमलव में बदलना। अब मेन पॉइंट आता है, शांत दशमलव प्रसार होगा कि अशांत दशमलव प्रसार होगा, ये फंडा हम कहाँ से सीखेंगे? इसके लिए बस हमारे साथ बने रहिएगा अगले 10 मिनट तक, बिल्कुल सीख जाएंगे, कभी ना भूलेंगे। देखिए साथियों, अब आता है दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। अब ये शांत अशांत का मतलब ये नहीं कि मैं बड़बड़ा रहा हूँ तो अशांत हूँ, अगर शांत हो जाऊँ ऐसे मतलब शांत हो गया, ऐसा मतलब नहीं। देखिए यहाँ पर मतलब समझना, एक जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये इस टाइप में पहला होगा 5/10, आपसे पूछा जाए का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। देखिए इसका सीधा सा फंडा है, शांत अशांत का मतलब ये होता है, जैसे अभी आपने देखा था 11/3, 3 × 9, यानी कि ये 3.6666 ऐसे ऐसे आया था ना, देखा था। इतना ही नहीं, आपने अभी एक और देखा था, प्यारा सा था, नन्हा सा, वो का था 17/5, जिसका आ गया था 3.4, ये ख़त्म हो गया था यहीं पर। तो साथियों, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ये शांत नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच रहा। बात समझ गए ना? अगर कहा जाए कि 11 रुपया है और 3 लोगों में बांटना है तो कितना कितना दोगे, कुछ कन्फर्म नहीं कितना कितना आएगा, मतलब ये तो कटे नहीं रहा है, यानी कि 3.67 के लगभग में आएगा, बट वो भी कन्फर्म नहीं है, यानी वो क्या है, दशमलव प्रसार उसका अशांत है। बट जब इसकी बात करें तो ये देखो पूरा पूरा कट जा रहा था आसानी से, है ना? इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। उसका क्या है? अशांत है। अब मतलब समझना, शांत अशांत कैसे समझोगे? देखिए कोई भी जो भिन्न दिया गया फ्रैक्शन, उसका हम हर देखेंगे बहुत ही ध्यान से, प्यार से देखेंगे, और क्यों देखेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए उसको देखने के बाद अगर उस हर में यानी कि 10 में गुणनखंड करने के बाद 2 की घात n, 5 की घात n, या फिर 2 × 5 की घात n, या इनमें से कोई भी एक अगर आता है, मतलब कुछ भी आए इस रूप का आए, तो दशमलव प्रसार शांत होगा अन्यथा अशांत होगा। कैसे? देखो इसको हम लिख सकते हैं 5/2×5, बोलो लिख सकते हैं ना? इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5/2 की घात 1 × 5 की घात 1, लिख सकते हैं
इसका जो हर का गुणनखंड है वो 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में आ रहा है, बोलो आ रहा है ना। इसकी घात से नहीं मतलब कितना आ रहा, 2 घात आए 4 आए 5 आए कुछ भी आए, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप यम लिख लो, ठीक है, 1 यन 1 यम, ये जरूरी नहीं कि बराबर आए, लेकिन हाँ उसकी घात या तो 2 में आए या 5 में आए या फिर 2 और 5 दोनों में आए, तब दशमलव प्रसार शांत होगा अन्यथा अशांत होगा। कैसे, इधर देखना, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा मतलब भाई देख लो, सिंपल सी बात है। चलो इसको हल कर लेते हैं हम, 5/10 काट दोगे 1/2 आएगा, भाग करोगे 0.5 आएगा, और ये पूरा पूरा निश्चित आएगा 0.5, मतलब क्या दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन अभी वही अगर 11/3 वाला उदाहरण दें तो, या फिर 4/9 वाला उदाहरण दें तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अभी आगे देखना, ये तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा 2%, अभी देखो 2% के अलावा 10% भी आएगा, बस देखते रहना। आगे अगला जो एग्जाम्पल है आपका वो क्या है, 13/45, क्या है 13/45। अब शांत अशांत का मतलब समझ जाना, 13/45 इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं प्यार से। सबसे पहले आप क्या करोगे, हर का गुणनखंड कर लोगे, तो जब आप हर का गुणनखंड करोगे तो ये हो जाएगा 13/, गुणनखंड का मतलब बहुत लोग जानते होंगे, जैसे अपवर्तक भी बोलते हैं, फैक्टर भी बोलते हैं, और भी बहुत से नाम से पुकारा जाता है प्यार से। ये देखो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, बात समझ में आई ना, इतना हो गया। अब क्या करोगे, जो आया है यहाँ पे लिख लो, 3 × 3 × 5, फाइनल में अगर इसे आप लिखना चाहोगे तो ये 13/3 की घात 2 और 5 की घात 1। हमने बताया था दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब इनके हर का गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का आए, या फिर 2 की घात n आए या 5 की घात m आए, मतलब 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ और नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो फिर दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। सिंपल सी बात है, यानी ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। आपको ना यकीन हो तो भाग करके देख लो, ऐसे कैसे, ये 13 इधर कर लो, इधर 45, भाग करो ऊपर दशमलव बढ़ा करके, पहले देखो जो भी आएगा निश्चित ना आएगा, और ये काटना आसान भी नहीं है, मुश्किल सा भी लग रहा है ना, लेकिन जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसको आप बहुत आराम से भाग कर सकते हो, ठीक ना, बात समझ में आ रही ना कुछ। अभी अगला एग्जाम्पल देखना, देखते जाओ सब समझ में आएगा, कैलकुलेटर से भाग करके देख लो, बहुत बड़ा से आएगा, ये आसानी से हल नहीं होने वाला है। तो ये शांत अशांत का फंडा था, आप समझ गए होंगे लगभग में, बहुत कुछ अभी ना समझ में आया होगा। देखो जैसे एक हमने दे दिया -5/9, क्या है -5/9, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, सिंपल सी बात है, हर का फैक्टर कर लो, -5/3 × 3 इक्वल -5/3 का स्क्वायर, बात क्लियर ना, एकदम फंडा क्लियर है ना। आप देख रहे हो यहाँ पर 3 का पावर या ना आ रहा है, ना तो 2 है ना 5 है, दोनों गायब हैं। कंडीशन ये है कि या तो राम ही प्रवेश कर सकते हैं, लखन ही, बाकी और कोई नहीं, क्योंकि उन दोनों हस्तियों के आगे और किसी की नहीं चलने वाली, मतलब समझ रहे हो ना आप, उनके बराबर और कोई दूसरा है नहीं, तो फिर कहाँ से ये काम होने वाला है यहाँ पे, नहीं ना, मतलब समझ गए ना, याद रखना। जैसे मैंने 2 और 5 बताया था, एक को श्री रामचंद्र जी मान लीजिए, एक को लखन जी, बाकी इन दोनों लोगों के अलावा अगर कोई भी आता है तो उसका प्रवेश अलाउ नहीं है, मतलब समझ गए, यानी कि 2 की घात के रूप में आए या 5 की घात के रूप में आए तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर इसके अलावा कुछ भी आता है तो अशांत होगा। और हाँ, अगर इन दोनों में से कोई एक आ गया, इनके साथ भी 5 के सिवा कोई और दूसरा आ रहा है, तब भी क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो यार, राम लखन कम अच्छा समझ में आएगा, श्री रामचंद्र जी और सीता मैया ले लो, तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, मतलब दोनों लोग की जोड़ी, बात समझ गए ना, समझ गए, अब कुछ नहीं बताना है, आप लोग समझ गए होंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर इसमें हम आपको दिखा दें तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। 4/5 ले लो, वो क्या है, -9/40,
इसका अगर आप हर का दशमलव प्रसार करोगे तो क्या होगा, पता है? इसको आप लिख सकते हो माइनस नाइन अपान ये टू इंटू टू इंटू टू, दो दूना चार दूना आठ, है ना। और यहाँ पे कर सकते हो फाइव। अब ध्यान देना, इसको फाइनल में आप लिख सकते हो माइनस नौ और दो की घात तीन और ये पाँच। अच्छा, अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। दो की घात n हो गया और पाँच की घात m हो गया ना, दो और पाँच दोनों आ रहा है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा ना, यकीनों तो भाग करके देख लो, एक निश्चित गिनती आएगी जो भी आएगी। बात समझ में आई ना? समझ में आई बात? लेकिन अगर इसी में एक हम दे दें छोटा सा आपको कन्फ्यूज करने के लिए, तो उसको भी देख लो। जैसे मैंने लिख दिया माइनस नौ और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, चार त्याई बारह, हाँ मैंने लिख दिया बारह। अब बताओ इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? अशांत होगा कि शांत होगा? शांत होगा। अभी ऐसे नहीं मजा आने वाला। अगर मैं इसको पंद्रह लिख दूँ तब भी हो जाएगा शांत। अगर मैं इसको इक्कीस लिख दूँ, हाँ इक्कीस, अब देखो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इक्कीस पे अशांत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये कट जाएगा, तीन त्रिका नौ, तीन सतह इक्कीस, माइनस तीन बटा सात। तो नीचे हर जो है वो ना तो दो के रूप में आ रहा ना पाँच के रूप में आ रहा है, सात आ रहा है। दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो आप जल्दी जल्दी से फटाफट छाप लो होमवर्क के लिए, और बताना, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। एक सवाल लिख लो, माइनस छब्बीस बटा ग्यारह, जल्दी नोट करो, माइनस ट्वेंटी सिक्स अपान इलेवन, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? अगर आपको हिंदी वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, इंग्लिश वर्ड भी आपको बताया जाएगा, ठीक ना। वैसे तो ये क्लास हिंदी मीडियम की ही है। नोट करिए होमवर्क, होमवर्क नोट करिए, दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत बताना। पहला सवाल है माइनस छब्बीस बटा ग्यारह, दूसरा सवाल है माइनस अट्ठासी बटा सात, तीसरा है इसमें उन्नीस बटा सौ, चौथा सवाल है इसमें साथियों आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सा है, प्यारा सा, वो है एक सौ इक्कीस बटा सात सौ तीस। और एक और भी हम आपके लिए लाए हैं नया नया, नाइन जीरो नाइन्टी अपान वन हंड्रेड इलेवन। और इतना ही नहीं, जी भर के आप लोग करो घर बैठ के, और हल जरूर करना, नहीं करोगे तो फिर आप जानो आपका काम। सुना है ना वो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ना करोगे तो फिर पछताओगे। हर का फैक्टर करना, गुणनखंड करना, अपवर्तक निकालना, फिर बताना कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ठीक ना। एक और लिख लो, 418 बटा 327। कुछ लोग काम चोरी करते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है ये सब लिखने में, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जीरो लेवल मैथ की क्लास में संपूर्ण मटेरियल मिले आपको। मतलब जो जीरो लेवल मैथ एक बार देख ले उसको कोई बुक की ज़रूरत ना पड़े, ठीक ना। इसलिए हम उतना अभ्यास भी उसी में करवा देते हैं कि आपको अलग से कुछ ना करना पड़े। जो नहीं लिख पाए वो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और हाँ, आप PBR स्टडी को फेसबुक पर अगर अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत मज़ेदार सेशन होता है जो यूट्यूब पर नहीं होता है। आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी क्लासें जो YouTube पे नहीं होती, सिर्फ Facebook पर होती हैं। और इसकी अगली आने वाली जो क्लास अपडेट होगी 42 नंबर, वो YouTube पे ही नहीं होगी, सिर्फ Facebook पर होगी, इसलिए फॉलो ज़रूर करना। और आगे इसमें अब हम देखेंगे सरल भिन्न, क्या करना है, सरल भिन्न में बदलिए, सरल भिन्न में बदलिए। कैसे बदलोगे? बदलना तो लोगों की फितरत होती है आजकल। पहला क्वेश्चन है ए नंबर 0.015, सरल भिन्न में बदलना है। सिंपल सी बात है, जो भी नंबर दिया है उसे चुपचाप ऐसे लिख लेते हैं, एक बड़ी सी लाइन खींचते हैं, नीचे वन लगा देते हैं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, है ना। एक दो तीन अंक पर दशमलव लगा है तो तीन जीरो बढ़ा देंगे, बस इतना सा फंडा था। अब काट पीट लो, आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे काटते हो। पाँच से काट लो, पाँच तीन पंद्रह, पाँच दूना दस, जीरो जीरो, मतलब ये क्या हो गया, तीन बटा दो सौ, ठीक। अगला अगर इसमें हम बात करें बी वाले की, तो वो क्या है 0.4 के ऊपर बार। इस पर अगर आप देखोगे तो ये चार बटा नौ हो जाएगा, और बराबर
आप लोग कहेंगे कि ये 4/9 कहाँ से लिख दिया, आखिर ये 9 कहाँ से आ गया, आसमान से कैसे गिर गया, है ना। तो इसका एक थोड़ा सा लॉजिक होता है, वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ट्रिकी अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ। अगर किसी नंबर पर इस तरह का बार लगा है, जितने अंक पर बार लगा है आप बार हटा के उतना बार 9 लिख सकते हो। ट्रिक है ये, याद रखना इसको। जैसे मैंने लिखा 0.53, ठीक है 53, तो यार बट नंबर तो सेम होना चाहिए, 5 5, दो अंक पर बार लगा है ना, तो इसको आप बराबर 55/ क्या लिख सकते हो, 9 9 लिख सकते हो। ये राइट आंसर है, 55/99 आएगा हल करने पर, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। वो क्या है, हाँ ये ज़रूरी नहीं कि वही नंबर हो, ये 63 भी लिख लो तब भी ये 63/99 आएगा। लेकिन साथियों अगर ये कभी कभी ऐसा हो, ऐसा मतलब कैसा, क्या अगर इसमें ये 0.6 और 5 है, इसमें 6 पर बार लगा है 5 पर नहीं लगा है, तो इसका तरीका अलग हो जाता है। जितने पर बार नहीं लगा उसमें से घट जाता है, यानी कि 60/99 लगभग आएगा, बट ये आप लोगों के अभी पल्ले ना पड़ रहा होगा, आसमान में उड़ जा रहा होगा। चलिए हम आपको इसको पल्ले पढ़ाते हैं कैसे होता है। वैसे तो आप पहले ये सिंपल वाला समझ गए कि नहीं, पहले सिंपल वाला समझ लो तो मैं बार वाले में ले चलता हूँ, नहीं तो बार बन जाएगा इसमें अगर ऐसे समझोगे तो, ठीक ना। तो चलिए पहले हम सिंपल वाला आपको बता देते हैं, वैसे तो ज़्यादा है नहीं सिंपल वाला, मैंने एक दो लिखा था। एक ठिया और लिख लो आप लोग, 0.30, इसको सरल भिन्न में बदलना है। दशमलव हटाएंगे तो 30/100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3/10 हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक। बाकी कुछ नहीं करना होता, केवल सिंपलीफाई करना होता है। हाँ अब हम आपको बताने वाले हैं कि 0.4 जो होता है उसके ऊपर बार लगा है तो उसको 4/9 कैसे लिख देते हैं, कौन सा ऐसा जादू लगाते हैं। देखिए इसमें कोई जादू मंत्र तो हम बताते नहीं क्लास में, क्योंकि मुझे आता नहीं जादू मंत्र, एकदम फंडा बताते हैं कैसे होता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 0.4 के ऊपर बार लगा है, तो साथियों इसको हल करना है, इसका आंसर 4/9 होगा। लेकिन कैसे, पहले आप इसको मानोगे, माना यक्स बराबर 0.4, और ये बार बार का झंझट कब आता है मैंने आपको बताया था। जैसे देखो इधर अगर हमें भाग करना है 4 में 9 से, तो क्या करेंगे जानते हो, ऊपर दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ 0 उतारोगे, 4 9 36 घटाने पे आएगा 4, फिर 0, फिर 4 9 36, फिर आएगा 4, फिर 0 उतारोगे, यार 9 बार जा रहा है ना, हाँ 9 चौक 36, फिर 9 चौक क्या आएगा 36। मतलब आप ऐसे देखोगे कि ये बार बार 0.4 आता चला जाएगा, बोलो चला जाएगा ना, कभी कटेगा नहीं, कभी ना कटेगा, देखते जाओ चाहे जैसे चाहे जब तक करते जाओ। ये यहाँ पे घटाने पे 4 आया, फिर 0 उतारोगे, फिर 4 9 36। कहने का मतलब यही है, हम यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं कि इसका जो मतलब है वो है 0.44444 डॉट डॉट डॉट, इसका यही मतलब है। तो इसको आप यक्स बराबर इतना लिख सकते हो, इसको मैंने असली रूप में लिख दिया, खोल दिया इसका मुखौटा, अब देखो क्या आता है। इस तरह से करने पे समीकरण एक हो गया। अब आप अगर यहाँ पर देखो एक अंक पर बार लगा है ना, तो आप दोनों तरफ 10 से गुणा करोगे, दो अंक पर लगा है तो दोनों तरफ 100 से करोगे, तीन अंक पर अगर बार लगा होता तो तीनों दोनों तरफ 1000 से गुणा करते। इसमें लिखेंगे समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर, साथियों अगर किसी भी समीकरण में गुणा करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, एक तरफ नहीं करते, क्योंकि आपने देखा होगा अगर दुकानदार कोई चीज़ तौलता है तो बराबर पलड़ा करता है ना, तो पलड़ा बराबर होना चाहिए। 10 से गुणा करोगे एक्स में, 10 एक्स हो जाएगा, इधर साइड में गुणा करोगे 10 से तो ना समझ में आएगा, इधर देखना आएगा अभी। ये जैसे 0.444 है मान लो, इसमें हमें 10 से गुणा करना है तो क्या होगा मालूम है, ये 4 3 बार था ना, इसको मैंने लिख लिया, एक जीरो लास्ट में लग जाएगा, ये तो सभी जानते हो, जानते हो ना, 1 2 3 अंक पर दशमलव था, पीछे से गिन लो 3 अंक पर दशमलव लगाओगे, यानी ये कन्फर्म हो गया कि जो दशमलव यहाँ एकदम पहले लगता था वो एक अंक बाद चला गया, मतलब दाहिनी साइड भाग गया, भाग गया ना। तो वैसे कुछ यहाँ भी होने वाला है, ये हो जाएगा 4 5, फिर 4 4 4 डट डट डट, और बन जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लोगे तो
मैं नहीं लिखूंगा, दोबारा लिख देता हूँ, जाने दो। 10x बराबर ये हो जाएगा 4.44 डॉट डॉट, ये है x बराबर 0.444 डॉट डॉट डॉट, घटा लो। सभी जानते हो 10x से 1x घटाएंगे, 9x बराबर, देखो घटाने का एक प्रकार से मतलब होता है उसमें से ख़त्म करना। यहाँ देखो अगर प्यार से आप ध्यान से देखो तो ये घटेगा तो क्या होगा, 4 से 0 जाएगा 4 आ जाएगा, ये सब देखो क्या है बराबर अंक है ना, तो ये 0 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। यक्स का मान निकालोगे 4/9 आएगा, दशमलव बढ़ा के 0 0 बढ़ा लो, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन ये दशमलव के बाद लगे 0 किसी काम के नहीं है, ठीक ना। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 4/9, जैसे वो सुना है ना, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर, है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। तो ऐसा मत करना कि बड़ा भी हो जाए आप और किसी काम के ना रहें। तो साथियों ये बहुत ही मज़ेदार सेशन था ना आपका, नीचे कुछ नहीं दिखा होगा तो मैं दिखा देता हूँ, काहे को टेंशन लेते हो, ये लो हो गया, ठीक है आगे चलें, बिल्कुल ओके, क्लास छोड़ के मत जाना। तो ये क्लास जो है यहीं पर ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त, फिर से हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद 6 बजे से PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर। याद रखना 0 लेवल की मैथ आपकी PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर फिर से चल चुकी है, लेकिन 6 बजे से DLED की क्लास लेकर के हम PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर चलेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने क्लास को ज्वाइन किया है उन्हें ऑलरेडी क्लास भेज दी गई है, वो लोग वहाँ से देख सकते हैं। और आपको भी बता दें, सचेत कर दें, अगर आप चाहते हैं कि मैथ आप सीखें और आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप नंबर लिखने के पहले ध्यान दें, क्लास व्हाट्सएप पर लेने के लिए आपको सुविधा शुल्क 549 रुपया देना होगा, जो कि किसी हराम की कमाई या घूस नहीं लेंगे, या लीगल तरीके से फीस मानिए या ज्वाइनिंग चार्ज मानिए, ठीक है। जो लोग इसको नहीं देना चाहते हैं, मत दें, एक भी रुपया ना दें, वो लोग क्या करें, YouTube पर PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके रखें। यहाँ पर हम उनके लिए बहुत सारी फ्री की क्लास भी लाते रहेंगे, आप बिल्कुल भी पेमेंट ना करें। हम समझ सकते हैं इंडिया में बहुत मंदी का दौर चल रहा है, और इन्हीं बातों को देखते हुए आपने देखा होगा यूपी गवर्नमेंट ने मात्र 172 रुपया के लिए 25,000 होमगार्ड को बेरोजगार कर दिया। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, न्यूज़ मीडिया में आ रहा है, क्योंकि बढ़ा हुआ जो वेतन था 172 रुपये बढ़ गया था। अब सरकार के पास मंदी में इतना पैसा नहीं है कि बढ़े हुए वेतन को होमगार्डों को दिया जा सके। द ललन टॉप से प्राप्त न्यूज़ के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने 25,000 होमगार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया। बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी अब पहले की अपेक्षा कम से कम 6,000 रुपये प्रति महीने सैलरी कम कर दिया जाएगा, मतलब उनसे पूरा काम नहीं लिया जाएगा, महीना भर में सिर्फ 20 से 25 दिन काम लिया जाएगा। तो ये मंदी के दौर में आप बिल्कुल ना करें, अगर करना चाहते हैं तो कर लें भाई, अगर इसको करेंगे तो क्या होगा। सारी क्लास आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे सुविधा मिलेंगी आपको, फ़ोन कॉल कर सकते हैं आप, हमें सवाल भेज सकते हैं, ढेर सारी आपकी सुविधाएँ मिलेंगी जो हम यहाँ पर नहीं गिना सकते हैं। तो चलते हैं, फिलहाल आपको सुविधा के लिए बता दें कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये 9793484848 ये फ़ोनपे का भी नंबर है, फ़ोनपे और गूगल पे का भी नंबर है, या फिर इस पर मैसेज करके आप अकाउंट नंबर ले सकते हैं, वहाँ पर पे करके सीधी सी बात है स्लिप या स्क्रीनशॉट पेमेंट का इसी व्हाट्सएप पर भेज देंगे, फिर आपकी क्लास आधा घंटे में आपको मिल जाएगी। चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, जय हिंद इन्हीं बातों के साथ। लेकिन चलते चलते याद रखना, PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर अभी आपकी क्लास होगी 6 बजे से DLED 4th सेमेस्टर का, फिर DLED 2nd सेमेस्टर का होगी, थर्ड और फर्स्ट की जो है सप्ताह के पहले 3 दिन में होती है, ठीक है। तो ये सप्ताह का आखिरी चल रहा है, तो इसमें आखिरी 3 दिन में होती है 2nd और 4th सेमेस्टर। चलते हैं फिर, एक बार फिर से आप सभी को शुक्रिया, इस क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री की क्लास है, सबको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।